Hello friends, welcome to PharmaRocks YouTube channel. Today we will discuss about the NTA and GPAT exam. Okay, so you all know about that कि जो GPAT के governing body है वो अब change हो चुकी है. 2018 तक GPAT की exam जो है वो AICT ने conduct किया. अब 2019 से GPAT 2019 से exam जो है वो NTA मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो GPAT 2019 की एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करेगा. ओके, 2013 से 18 तक GPAT की एग्ज़ाम जो है वो AICT ने कंडक्ट की. 2012 तक जो है GPAT की एग्ज़ाम वो ले रहे थे MS यूनिवर्सिटी, और अब 2019 से सेम एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. सो हम जान लेते हैं कि NTA क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो नेशनलाइज एजेंसी है कि जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट करता है. कि लाइक कि इंजीनियरिंग के अंदर आती है एग्ज़ाम नीट की, JEE की एग्ज़ाम आती है, मेडिकल के अंदर नीट की एग्ज़ाम आती है, मैनेजमेंट के अंदर CMAT, और फार्मेसी के अंदर जो आती है वो है GPAT की एग्ज़ाम. ओके, नेक्स्ट जो है वो कि कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड टीचिंग फेलोशिप्स एग्ज़ाम्स वगैरह जो है वो NTA कंडक्ट करता है. ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग ये है कि GPAT की एग्ज़ाम अब NTA कंडक्ट कर रहा है तो उसके फॉर्मेट्स वगैरह, उसकी पैटर्न वगैरह में चेंज होगा या नहीं. ओके, तो उसका आंसर है नो, बिकॉज सिर्फ गवर्निंग बॉडी जो है वो यहाँ पे चेंज हो रही है. ओके, गवर्निंग बॉडी मतलब कि AICT, MS यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, AICT, NTA वगैरह जो है वो गवर्निंग बॉडीज़ कहलाई जाती है. ओके, कि जो इस तरह की नेशनल लेवल की एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करते हैं. ओके, सो सिर्फ गवर्निंग बॉडी की टेस्ट लेने वाली एजेंसी ही सिर्फ चेंज हो रही है, टेस्ट के अंदर कोई भी बदलाव किए गए नहीं है. ओके, सो एग्ज़ाम पैटर्न विल बी सेम एज पर द GPAT 2018. ओके, सो हम देख लेंगे रिगार्डिंग द फार्मेसी एग्ज़ाम कि GPAT फार्मेसी, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट GPAT इज ए नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एंट्री फॉर MPharm प्रोग्राम्स. टिल 2018 इट वॉज कंडक्टेड बाय AICT every year as per the direction of Ministry of Human Resource Development, Government of India. The test will be now conducted by the NTA. Okay. So, सिर्फ governing body change हो रही है, इसके मुताबिक exam के pattern भी same है, eligibility is also same as per the previous rules. Okay, कि applicants must be a citizen of India, they must be bachelor degree holders in pharmacy, then BPharm final year students. Okay, कि जो semester 7 के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, semester 8 के अंदर है, वो जो है वो exam के लिए eligible है. Okay, फिर BTech student कि जो pharmaceutical and fine chemical technology के students है, और दूसरे इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर GPAT एग्जामिनेशन. ओके, सो ओनली BPharm स्टूडेंट कि जिन्होंने अपना BPharm जो है वो कंप्लीट किया हुआ है, आफ्टर दैट कि जो स्टूडेंट फाइनल ईयर के अंदर है, अभी करेंटली जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के अंदर स्टडी कर रहे हैं, चाहे उनका सेमिस्टर 7 चल रहा हो या सेमिस्टर 8, तो दे आर एलिजिबल फॉर द GPAT 2019 एग्ज़ाम. ओके, बाकी के जो रूल्स है वो सेम है कि GPAT एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है. कि GPAT के एग्ज़ाम के अंदर आएंगे आपके 125 क्वेश्चन. ओके, 500 मार्क्स का टेस्ट रहेगा. एग्ज़ाम इज आल्सो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. ओके, सो देयर इज़ नो चेंज इन द पैटर्न. नेक्स्ट थिंग जो हमें डिस्कस करनी है रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स डेट्स. ओके, तो GPAT 2019 का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 नवंबर 2018 से स्टार्ट होगा, और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है
30 नवंबर 2018। सो फर्स्ट से लेकर 30 नवंबर तक आप जो है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको NTA के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी को ही फॉलो करना है कि वहाँ पे जाके ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट है कि डेट ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम कब होगी। तो डेट ऑफ एग्ज़ाम इज़ 28 जनवरी 2019। देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट उसका कब डिक्लेयर होगा। तो रिजल्ट जो है 10 फरवरी 2018 को जो है वो डिक्लेयर होगा। नेक्स्ट जो हमें बात करनी है वो रिगार्डिंग द जीपेट 2019 सिलेबस। तो सिलेबस विल बी सेम एज़ पर द 2018 एंड 2017 एग्ज़ाम्स। ओके, सो उसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है कि जीपेट का सिलेबस चाहे चेंज हुआ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।